हेलो दोस्तों नमस्कार एस एम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं so, सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यस आज के दिन इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग इंतजार यहां पे कर रहे होंगे कौन से टॉपिक के बारे में एंड कौन से सेक्टर के बारे में तो पेंट इंडस्ट्री के बारे में आप सभी लोगों को पता ही है आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ वैसे तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये तो ऑलरेडी दो तीन साल पहले यहाँ पर आ चुकी थी बट उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा एडवांस स्टेप आज के दिन यहाँ पर लिया जा चुका है कौन सी खबर की हम बात करें येस आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है ग्रेसिम वो हम लोगों को फाइनली अभी क्या करते हुए देखने को मिल चुके हैं उन्होंने अपना पेंट का बिजनेस फाइनली यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे कर दिया है यस टुडे टुडे आप यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस का प्लांट उसका यूनिट उसका जो बोलते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी ये सारी चीजें हम लोग को आज के दिन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके मतलब जो हम सुनते थे ना या समवेयर अराउंड एक दो साल पहले की बिजनेस में ये आने वाले हैं करके ठीक है वो सारे आर्टिकल्स में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो चलिए उसका यहाँ पे हम कह सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है सो so, सबसे पहले एकदम में पुराना सबसे पहले जब ग्रेसिम ने ये अनाउंसमेंट किया था फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट किया था ना तब एशियन पेंट बर्जर पेंट ये शेयर ना गिरे थे नैरोलैग भी गिरा था पहली बार क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है तो ग्रेसिम ने पहली बार अनाउंसमेंट किया था भाई हम दस हज़ार करोड़ के साथ फोर बोले तो हम एंट्री करने जा रहे हैं धावा बोलने जा रहे हैं पेंट इंडस्ट्री बिजनेस में ठीक है और ये पहली बार आपको पता है मार्केट में एकदम अनसर्टेनिटी वाली का, अगर कोई खबर आ जाती है अनएक्सपेक्टेड खबर वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैसे इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं बट हाँ कंपटीशन बढ़ेगा तो एशियन पेंट बर्जर पेंट नैरोक भाई उसके लिए तो ये नेगेटिव ही खबर रहेगी और कोई ऐसा वैसा छोटा प्लेयर नहीं आ रहा है कौन आ रहा है भाई ग्रेसिम इंडस्ट्री आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी पैसों की कमी ही नहीं है इनके पास और अनाउंसमेंट भी देखिए दस हज़ार करोड़ लेकर आ रहे हैं हम लोग तो जैसे उन्होंने ये अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया एकदम जोरदार भूकंप हुआ था पेंट इंडस्ट्री के शेयर्स में ठीक है तो ये एक पहला हम लोग को सिनारियो देखने को मिला था एक साल पहले फिर उसके बाद काफी लोग चर्चा करने लगे अरे भाई कब आ रहे हो करके कोई अनाउंसमेंट नहीं उसके बाद तो उन्होंने बाद में वापस बोल दिया ग्रेसिम ने कि भाई ये जो साल चल रहा है साल मतलब जब जब भी हम बात करते फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि क्वार्टर फोर का इंतज़ार करो हम आपको सारा प्लान यहाँ पे बता देंगे तो चलिए अभी हम देख ही रहे क्वार्टर फोर ही चालू है जनवरी फेब्रुवरी मार्च ये तो आखिरी साल ही होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का तो तभी उन्होंने कहा था कि इसी से रिलेटेड हम आपको सारा डेटा सामने यहाँ पे रख देंगे एंड आज का दिन अगर आप देखोगे फेब्रुवरी तो चल रहा है क्वार्टर फोर तो उन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है उसके बाद उन्होंने और एक बड़ा धमाका कर दिया था कौन सा धमाका कि उन्होंने अपना कैपेक्स को डबल कर दिया दस हजार करोड़ मतलब और उन्हें इन्वेस्ट कर दिया मतलब कुछ ज्यादा ही वो एग्रेसिवली पेंट इंडस्ट्री बिजनेसेस में एंटर करने की कोशिश यहां पे कर रहे हैं ये सारी बातें हम लोग को पता है यहाँ पे चल चुकी थी एंड उसके बाद हर कोई कह रहा था कि भाई आपके पेंट का ब्रांड का नाम क्या होगा तो ब्रांड का नाम भी हमारे सामने आ गया बिरला ओपस करके यस यही नाम है बिरला ओपस अभी आप पेंट मतलब किसी भी दुकान में जाओगे तो आपको वहाँ पे एशियन पेंट बर्जर पेंट नायरो अलग अलग पेंट के डब्बे देखने को मिलेंगे तो बिरला ओपस वैसे तो जानने में पहचानने में आ जाएगा नाम में ही बिरला लिखा हुआ है तो ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हो गई अभी अगर हम लोग बात करें तो कुमार मंगलम बिरला जी की अगर मैं बात करूँ जो कि बिरला ग्रुप के अभी करंटली जो हेड है तो उन्होंने कौन सा टारगेट सामने यहाँ पे रखा हुआ है पेंट सेक्टर में जो उन्होंने एंट्री करने की यहाँ पे बात की है उसी से रिलेटेड एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे जो चल रहा है सो so, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि उनका पहला टारगेट है कि इस सेगमेंट में सेकंड स्पॉट को हम लोग यहाँ पे जाएंगे देखिए उन्होंने पहले नंबर पे आएंगे ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहा कि हम पेंट बिजनेस में पेंट मतलब डेकोरेटिव पेंट बिजनेस की यहाँ पे मार्केट की बात हो रही है बिरला ओपस ये जो ब्रांड है उसको हम लोग सेकेंड नंबर पर लेकर जाएंगे सो so, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मार्केट शेयर की तो आपको पता है पहले नंबर पे कौन बैठा हुआ है सिक्सटी परसेंट सिक्सटी फिफ्टी नाइन प्लस माइनस थोड़ा होते रहता है एशियन पेंट हा बच्चे बच्चे को पता है उसके बाद कौन है बर्जर पेंट अठारह परसेंट बीस परसेंट चलता रहता है थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है फिर यहाँ पर आप देख सकते हो नैरोक आ जाता है पंद्रह के आसपास फिर एग्जोनेबल सेवन एंड बाकी की तो गिनती तो होती ही नहीं है वो अदर परसेंट में यहाँ पर आ जाते हैं सो so, आप देख भी सकते हो दोस्तों कि बिरला ग्रुप ने इसके पहले भी ये जो बात यहाँ पर कही थी अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ आपको थोड़ा सा पीछे जाना यहाँ पे पड़ेगा तो आपको यहाँ पे याद आएगा किधर चला गया ये वाला कि कि उन्होंने कहा था कि भाई रुक जाओ हम क्वार्टर फोर में यहाँ पे आएंगे पेंट के मार्केट में एंटर करेंगे एंड आप देख सकते हो कि वो किसको टक्कर देंगे उन्होंने कहा था कि बर्जर एंड अदर उन्होंने एशियन पेंट का नाम नहीं लिया नहीं लिया मतलब क्या देखिए उन्होंने भी रिस्पेक्ट दिया है भाई मार्केट लीडर है ऐसा कोई भी सिक्सटी मार्केट शेयर लेकर यहाँ पे नहीं बैठता है करके सो

फ्रॉम द only पेंट बिजनेस इन अपकमिंग थ्री ईयर्स तो तीन साल में ये पेंट से कितना कमा मतलब अर्निंग करने की कोशिश करने वाले दस हज़ार करोड़ प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू की बात हो रही है ठीक है तो ये भी पॉइंट उनने सामने रखा हुआ है भाई अगर कोई इंटरेस्टेड होगा इस सेक्टर में इन कंपनीज में तो ये नोट करके रखना होता है चेक करना है तीन साल के बाद दस हज़ार करोड़ है कि नहीं रेवेन्यू वैसे तो बिरला ग्रुप है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट इनके कैलकुलेशन एकदम टॉप नर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा और चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे जैसे कि पता है इनके एंट्री के चलते भाई कंपटीशन तो अभी डेकोरेटिव पेंट बिजनेस में आपको पता ही है कि क्या गज़ब का रहने वाला है ठीक है एशियन पेंट तो नंबर वन पे है बर्जर पेंट की नींद यहाँ पे जरूर उड़ी होगी ठीक है देन उसी के साथ साथ और भी अलग अलग प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिले थे लाइक like, जेएसडब्ल्यू भी था पी भी था बट ये छोटे मोटे प्लेयर्स हैं ठीक है एस्ट्रल ने भी बीच में थोड़ी सी कोई बीच में छोटी कंपनी खरीदी थी इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा था बट भाई बिरला का नाम सुनकर ही हर कोई यहाँ पे तंग रह गया था देन अगर हम बात करें दोस्तों तो बिरला ने एंट्री करने की बात बिरला जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था क्योंकि उन्होंने बताया था कि आने वाले नेक्स्ट फाइव ईयर्स की बात करें ये जो मार्केट है उसका एस्टिमेट लगाया गया कि ये एक लाख करोड़ का मतलब करोड़ से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है इतना बड़ा मार्केट बनने वाला है ठीक है और इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे खोना नहीं चाहते हैं ठीक है ये ग्रोथ जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड एक्सपांड करने की भी अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी ये भी बात कुमार मंगलम बिरला जी ने इसके पहले यहाँ पे बताई थी नेक्स्ट अब बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रहेंगे हरियाणा में रहेगा महाराष्ट्र में रहेगा पंजाब में रहेगा कर्नाटका में रहेगा तमिलनाडु में रहेगा वेस्ट बंगाल में रहेगा इनको पैसों की कमी ही नहीं है ठीक है बिरला ग्रुप ना तो यही इसीलिए ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना था वरना जे जैसे बोला ना जेएसडब्ल्यू पी डी लाइट एसटल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे छोटे छोटे प्लेयर यहाँ पे आके जाते थे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों एक और सॉलिड पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए एंड वो है दोस्तों कि बिरला ग्रुप की बात करें उन्होंने कहा है कि उनकी कैपेसिटी कितनी होगी टोटल कैपेसिटी जो अभी उन्होंने शुरुआत यहाँ पे किया है ठीक है तो वो रहने वाला है वन थ्री थ्री टू एम एल पी एम एल पी ए बोले तो मिलियन लीटर पर एनम ठीक है तेरह सौ बत्तीस एम एल पी ए ये उनकी कैपेसिटी इनिशियल स्टेज पे आप रहने वाली है ठीक है आपको पता है बर्जर का कितना है बर्जर का है लगभग लगभग हजार के आसपास एम एल पी ए ठीक है आप चाहो तो इसको नोट करके रख सकते हो मतलब ऑटोमेटिकली कैपेसिटी वाइज कैपेसिटी वाइज ये बर्जर से बड़ी बन चुकी है मतलब टारगेट लेकर चल रहे हैं ठीक है पेंट तो बनाएंगे बेचेंगे कितने वो दूसरा पार्ट होता है वो एक चीज़ समझने वाली है हाँ बट हम जरूर कह सकते हैं कि सेकंड नंबर पे जो बर्जर हुआ करता था हज़ार एम एल पी ए का कैपेसिटी लेकर वो ऑटोमेटिकली अभी तीसरे नंबर पे जाएगा क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया तेरह सौ बत्तीस ऑवियसली अभी बर्जर भी शायद से शायद से अगर डिमांड रहेगा या फिर अपने पोजिशन को और स्ट्रेंदेन कर रहे तो कैपेक्स का भी अनाउंस कर दे देखने वाली बात होगी बर्जर के ऊपर फोकस रख सकते हो अभी मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें तो आ ही चुकी होगी भाई तो फिर एशियन पेंट का कितना है एशियन पेंट बहुत आगे है डबल डबल से भी ज़्यादा लगभग लगभग छब्बीस से सत्ताइस सौ है ठीक है तो इतना इजी नहीं है जैसे मैंने आपको कहा ना कि एशियन पेंट छब्बीस बिरला की अगर हम बात करें ठीक है तो वो तेरह सौ बत्तीस एंड बर्जर हज़ार ये हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है ठीक है एंड करंटली अगर बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है सत्तर हज़ार करोड़ का हम लोग को वैल्यूएशन के हिसाब से चलती हुई देखने को पे मिल रही है जो कि एक लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे चली जाएगी नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने ये भी कहा है कि कंज्यूमर को वो टारगेट करेंगे करेंगे डबल डिजिट ग्रोथ लेकर यहाँ पे चलेंगे ठीक है हाउसिंग के हिसाब से चीज़ों को फोकस में यहाँ पे रखेंगे एंड उसी के साथ साथ बी टू बी को भी हम लोग यहाँ पे फोकस में रखने वाले हैं यही पॉइंट कुमार मंगलम बिरला जी ने भी यहाँ पे सामने रखी हुई है मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में यहाँ पे आ रही है ये देखिए ये जो पुराना डेटा है ना 2022 में एस्टल ने भी पेंट इंडस्ट्री में एंट्री की थी कोई छोटी कंपनी खरीदी थी दो करोड़ के आसपास बट किसी को इतना फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा बट हाँ इससे क्यों फ़र्क पड़ा क्योंकि बिरला ग्रुप जैसे समझ में यहाँ पे आ जाता है भाई एकदम बड़ा हाथी हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है बहुत बड़ा पैसा जितना चाहे उतना कैपेसिटी तो इसी चीज़ के चलते अभी पेंट इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं आने वाले नेक्स्ट चार से पाँच साल में एक बहुत बड़ा नाम आपको जरूर देखने को आप मिल सकता है सो so, इसी चीज़ के चलते ग्रेसिम इंडस्ट्री आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं अभी एक मिस्टेक आपसे हो सकती है कि ये सिर्फ पेंट वाली कंपनी नहीं है हाँ ये बहुत सारे लोगों को लगता होगा चलो इसको पेंट के लिए खरीद लेते तो नहीं ग्रेसिम इंडस्ट्री में अगर देखा गया भाई ये कोई आज लिस्ट नहीं हुआ है इसके पहले भी ये कंपनी काम करती थी ठीक है फाइबर की बात करें केमिकल की बात करें टेक्सटाइल की बात करें इंसुलेटर की बात करें एग्रोकेमिकल की बात करें अभी पेंट इंडस्ट्री इसमें जुड़ चुकी है जो कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे जरूर होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि आगे क्या होगा व्हाट नेक्स्ट वाट नेक्स्ट मतलब क्या कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे भाई अभी एशियन पेंट का क्या होगा तो अभी मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण आपको क्यों दिखाया कि एशियन पेंट को रिप्लेस करना इतना सिंपल नहीं है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है करके ठीक है बट हाँ इत, मतलब बोलते ना ऐसा कुछ चंद दिनों में नहीं होगा सालों साल लगते हैं भाई ठीक है जैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वक्त भी काफ़ी लोग कह रहे थे अरे बजाज फाइनेंस रिप्लेस होगा क्या नहीं कैपेसिटी है उनमें कि वो आ, उनको सेकंड पोजीशन पे ढकेल सकते बट सालों साल लगते हैं भाई ठीक है पतंजलि का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था पतंजलि जब बाबा रामदेव जी जब आए थे एकदम जोश विश में बोल रहे थे अरे एक्चुअल के तो धज्जा उड़ा देंगे हम लोग ठीक है नंबर वन हम ही बनेंगे बट कुछ सालों के बाद उन्होंने खुद बोलिया अरे नहीं भाई एक्चुअल तो बहुत बड़ी कंपनी हमारा जो टारगेट है हम तो सेकंड पोजीशन पे जाने की कोशिश करेंगे देश की सेकंड बड़ी एफ कंपनी बनने की कोशिश करेंगे ये बताने का मकसद क्या है नंबर वन को हिलाना इतना सिंपल नहीं होता है भाई इतने सालों साल लगते हैं ये कोई कल जाके नंबर वन नहीं बना है तो ये पॉइंट भी आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए उसी के साथ साथ अगर हम बात करें हाँ अगर अच्छा कॉम्पिटिशन डर का ज़्यादा माहौल रहेगा वो एशियन पेंट के जो जितने भी नीचे वाले हैं ठीक है बर्जर नैरोक एक्जोनोबेल इंडिगो हाँ उनमें सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो एशियन पेंट के जो प्लेयर्स रहेंगे ठीक है वो यूजुअली इतने ज़्यादा शिफ्ट होने वाले नहीं होंगे यूजुअली यूजुअली दो चार टक्का हो सकता है बट बर्जर की बात करें नैरोलैक की बात करें एक्जोनोबेल की बात करें शायद से वो यहाँ के जो डीलर्स रहेंगे यहाँ के जो प्लेयर्स रहेंगे कस्टमर्स रहेंगे उनको वो अट्रैक्ट जरूर कर सकते हैं ठीक है एंड इसकी शुरुआत भी कर दी है किसने बिरला ग्रुप ने इंसेंटिव देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है ठीक है एंड इंसेंटिव की बात करें भाई एशियन पेंट से भी ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा है अभी मार्केट में क्योंकि प्रमोट करना है ना भाई ब्रांड को आपको कुछ तो पैसा खर्च करना पड़ेगा और उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है ठीक है तो अपने ब्रांड को आगे लेकर जाने के लिए हम यहाँ पे जरूर कह सकते हैं डीलर्स को डेढ़ गुना ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं एशियन पेंट से भी कौन ग्रेसिंग वाले तो ये सारी चीज़ें हमें ये बात जरूर बताती है कि भाई आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई कि क्वार्टरली रिज़ल्ट को चेक करना है ऐसा भी नहीं है कि भाई सीधा सीधा भाई बर्जर पेंट खत्म ही हो गया भाई अभी तो कुछ और बचा ही नहीं ये भी ख़त्म ये भी खत्म ऐसा नहीं ये क्वार्टरली रिजल्ट रखे किस लिए है इसीलिए कि आपको बताने के लिए भाई इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है इनकी अर्निंग्स कैसे चल रही है हाँ अगर अर्निंग्स में ड्रॉप आउट नजर आ रहा है तो फिर डिसीजन लेना पड़ेगा भाई निकलो करके अगर लग रहा है कि भाई अर्निंग्स तो ठीक ही है तो फिर दिक्कत की बात है देखिए कैपेसिटी है पैसा है इनके पास बट अर्निंग्स कब होगी जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो प्रॉफिट होना भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है तो ये चीज़ें खुद से मॉनिटर करनी पड़ेगी कोई वीडियो गेम नहीं है यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है कि अभी हाँ बोलो या ना बोलो करके वो तो देखना पड़ेगा भाई आपका परफॉर्मेंस कैसा है करके हाँ बट इतना हम जरूर कह सकते हैं इसके पहले इतने सारे पेंट्स के प्लेयर आ गए कोई फ़र्क नहीं पड़ा बट ग्रासिम के आने से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा इंक्लूडिंग एशियन पेंट को भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा हाँ बट क्या इतना फ़र्क पड़ेगा कि कंपनी तबाह हो जाएगी अपना मार्केट शेयर ही लूज़ कर लेगी तो वो इस, इस स्टेज में कहना काफ़ी जल्दबाजी यहाँ पे हो सकती है वो तो आगे ग्रासिम का परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना पड़ेगा कि अगर वो मार्केट शेयर खाएंगे तो किसका खाने वाले हैं ठीक है ठीके, ये फिलहाल का जो करंट मार्केट शेयर है इनको नोट डाउन करके रख लेना और देख लेना बाद में किसका पंद्रह का सोलह हुआ है या फिर पंद्रह का चौदह हुआ है फिफ्टी से फिफ्टी हुआ है अठारह से बीस हुआ है चेक करना पड़ेगा फिर पता चलेगा कि किसके मार्केट शेयर में इजाफा हुआ है और किसके मार्केट शेयर में गिरावट हुई है और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली ले डिसीजन लेना पड़ेगा सो so, आशा करता हूं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे शुरुआत से लेकर अंत तक सारे यहाँ पे मैंने आसान भाषा में क्लियर यहाँ पे कर दिए हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब बाय